कोई साथ नहीं दे रहा है, सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा कि हमारे एक कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं ब्रॉड डेलाइट में ऐसा कुछ हुआ है। और वो सिर्फ कोई नॉर्मल रेप केस नहीं है, उनको नंगा घुमा दी गई है। सारे चीज़ों का जिम्मेदार तो मैं और हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। हमने खुद जाके मेईतेई वालों को अटैक नहीं किया, पर जब मेईतेई लोग हमारे ये जो गाउन में आते हैं हमें अटैक करने, तो फिर तब हम डिफेंस करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मरना ना। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। जो भक्त है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनका तो ये कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया है। पर मणिपुर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तमाम देशों में एक आक्रोश सा जग गया है, और उसी को लेकर यहाँ पे मणिपुर के कुछ लोग और देशवासी आए हैं जंतर मंतर में दिल्ली के, और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन लोगों का मांग है कि जस्टिस मिले, उन लोगों को न्याय मिले। आइए बात करते हैं, यहाँ पे मणिपुर के एक लड़की हैं, बात करते हैं ये क्या सोचती है, वीडियो देखने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हमें बहुत शर्मिंदा हुआ, और दूसरी बात हमें बहुत दुखी हुई कि हमारे एक कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं ब्रॉड डेलाइट में ऐसा कुछ हुआ है। और वो सिर्फ कोई नॉर्मल रेप केस नहीं है, उनको नंगा घुमा दी गई है, और उन्हें बहुत लोगों के सामने ऐसे कर दिए गए हैं। तो फिर हमें बहुत दुखी है क्यों सरकार को 2 महीनों का इंतज़ार करना पड़ा इस पे एक्शन करने के लिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक्शन लिया जाएगा, उन्होंने ये तो बोला था, पर ये जो घटना है आज का नहीं है, कल का नहीं है, या फिर परसों का नहीं है, ये जो घटना है वो 4 मई का है, और उस दिन से 2 महीने बीत चुके हैं, और उससे पहले उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं दिया? बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने जान हाजिर करके अपने कम्युनिटी को डिफेंड करी किया है, पर इस घटना से पहले, इस वीडियो लीक होने के होने से पहले उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं सारी घटना का, मतलब 2 महीना बाद इस पर कार्रवाई होती है, सारी चीज़ों का जिम्मेदार किसको मानते हैं? सारे चीज़ों का जिम्मेदार तो मैं और हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो एथनिक वायलेंस है वो 3 मई को शुरू हुआ था, पर बीरेन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये जल्द से जल्द उनके स्टेट में शांति हो, ये जो सिचुएशन है वो आराम हो जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो करने उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं किया, और वो साउथ में भी गए इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह के लिए। तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं है, इस तरह की 100 घटना और हो चुका है, इस तरीके से 100 इंसिडेंट और हो चुका है वहाँ, कोई बड़ी? हाँ, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर उनके वो जो महिलाओं के परिवार है, उनके माँ बाप के लिए, उनके भाई बहन के लिए, और उनके कम्युनिटी मेंबर्स जो हम हैं, हमारे लिए तो अगर ऐसा 1000 केसेस भी होते हैं तो फिर हर एक केस जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा। उनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम उन महिलाओं के लिए जस्टिस दिलाएंगे ही दिलाएंगे। क्या लगता है, क्योंकि कार्रवाई 2 महीने बाद हो रही है, क्या लगता है कि कोई जस्टिस मिल पाएगा, कुछ हो पाएगा मोदी जी के बात के बाद? ये तो हमारी कोई कहने की बात नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एश्योरेंस दिया है कि अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं उठाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उठाएगा, तो फिर हमें सरकार से उम्मीद है, पर ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं है, पर हमें ये यकीन है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो कुछ ना कुछ ही करेंगे। PM जो है उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो लोग हैं उनको सजा दी जाएगी। हाँ, सजा तो दी जाएंगे, पर वो जो महिलाओं का जो मेंटल ट्रॉमा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो कैसे रिवर्स कर पाएंगे, है ना? तो फिर वो अपने पूरी जिंदगी वैसे ही बिताएंगे, वो शर्मिंदी से, बहुत शर्मिंदी से बिताएंगे, तो फिर उनका वो क्या कर सकता है? कल संसद चालू हुआ, हाँ जी, में कहा गया कि मणिपुर पे चर्चा हो, लेकिन जो सरकार है उनकी तरफ से जो स्पीकर थे उन्होंने मना कर दिया कि इस पे चर्चा नहीं होगी, क्या कहेंगे? पहले तो हमें लगता है कि ये जो सरकार
कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें दुनिया को ये नहीं दिखाना कि उनका गवर्नेंस फेल हो गया है, उन्हें अपना रेप्यूटेशन बर्बाद नहीं करना। और ये जो सीएम है वो भी ऐसा मणिपुर का पिक्चर को सच्चाई से नहीं दिखा रहे हैं, वो फिल्टर कर रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह को, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो मेईतेई लोग ही कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ कुकी ने जो क्या है सिर्फ वही दिखा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला जो बात है कि सबको साथ लेके चलते हैं, क्या मणिपुर में ऐसा कुछ है सबको साथ लेके चल रहे हैं या एक तरफा कुछ है? नहीं जी, यहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर हमारा साथ दिया गया होता तो फिर ये जो 4th मई में ये जो FIR फाइल हुआ है तो फिर उसका एक्शन अब तक तो ली जाना चाहिए, पर इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम इस ये जो केस है इसके अलावा भी बहुत सारे मर्डर केस है, आपको ये डेविड ठीक का मर्डर भी पता होगा। हाँ हाँ जी, तो फिर उसका भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। 18 तारीख को ही हुआ था, 18 मई को। हाँ जी, 18 मई को हुआ, क्योंकि उससे पहले तो नेट भी नहीं है, तो फिर हमें कैसा पता चलेगा ना। हमें तो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए इनका रिलेटिव्स कोई है, कोई FIR फाइल करेगा। हमें ये जो लीगल प्रोसेस है बहुत काम करने में टाइम लगता है, तो फिर इसलिए 18 मई को ही हुआ। अच्छा, था ये जो वायरल हुआ उसके दूसरे दिन गिरफ्तारी हो गई? हाँ, उसके अगले दिन हुआ है ना गिरफ्तारी, पर उससे पहले 2 महीने जो बीत गए हैं, तो फिर तब क्या किया सरकार ने, तब क्या किया? ANI खबर फैला रहा है कि इसके पीछे भी एक मुसलमान व्यक्ति है, अब्दुल नाम का व्यक्ति, आपको क्या लगता है कि इस पे भी हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ा जा रहा है? इसमें कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं जी, इसमें कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ कुकी या ट्राइबल्स और ये मेईतेई के बीच में वो हो रहा है। झूठी खबर फैलाने वाले के बारे क्या बोलना चाहेंगे इस तरह के ANI वाले या न्यूज चैनल वाले जो फैला रहे हैं? बहुत लोग हैं जो झूठी खबर फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस वायलेंस को एस्केलेट करना है, उन्हें बढ़ाना है और उनको जीतना है, उन्हें कुकी वालों को वो उनका वॉइस जो है उन्हें डिप्रेस करवाना है, तो फिर इसलिए बहुत सारे गलत चीज़ें फैला रहे हैं ताकि लोग उनको सपोर्ट करें, लोगों को ये फीलिंग हो कि हाँ मेईतेई लोग सही है और वो उनका रिलीजन भी हमारे साथ एक है। तो फिर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो मेईतेई हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि कुकी की तरफ से वॉयलेंस किया गया है। कुकी की तरफ से वॉयलेंस तो होगा ही ना, वॉर के टाइम पे तो वायलेंस होता ही है, पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने खुद जाके मेईतेई वालों को अटैक नहीं किया, पर जब मेईतेई लोग हमारे ये जो गाउन में आते हैं हमें अटैक करने, तो फिर तब हम डिफेंस करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मरना ना, हमें अपने कॉज के लिए खड़ा होना है, तो फिर हमें अपने आप को डिफेंड करना तो चाहिए, तो फिर हम डिफेंड ही करते हैं, हमने कभी अटैक नहीं किया। और ये जो रेप केसेस वगैरह है, हमने किसी का ऐसा महिलाओं या बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात बताइए कि यूरोपीय संसद में पार्लियामेंट वहाँ पे चर्चा हो सकती है। हाँ जी, भारत की पार्लियामेंट में नहीं चर्चा होने दे रही सरकार, आखिर क्या वजह है? ये सरकार की इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। बाकी देशों को दिखाई दे रहा है कि भारत इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा चीज़ हो गया है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, पर भारत के सरकार को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें तो बहुत छोटा केस लग रहा है इस एथनिक वायलेंस को, पर बाकी देशों को दिखाई दे रहा है हमारे ये सिचुएशन के बारे में। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी 79 दिन तक चुप रहे, कुछ भी नहीं मणिपुर पे बोले, जब वीडियो वायरल हुआ, जब ज़्यादा हंगामा हुआ, तब उन्होंने बोला कि ये देश की बेइज्जती है और कानून कार्रवाई करेगा, कैसे देख रहे हैं आप? ये भी हमारा भी ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। वो तो हम आंसर नहीं देंगे, वो तो सिर्फ जो चुप बैठे थे सिर्फ वही आंसर दे पाएंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते। वही तो, उनके जो भक्त है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनका तो ये कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया है, पर यहाँ जो मेईतेई और कुकी का जो बहुत स्मॉल इन पॉपुलेशन है, उनका नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर वो सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर वो
अपने वेरी वाइसली वो सॉल्व कर सकते थे। कोई मरना भी नहीं चाहिए था, किसी का रेप भी नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ये जो जस्टिस है उन्होंने ये डिले कर दिया गया। तो होम मिनिस्टर तो गए थे ना वायलेंस रुकवाने के लिए? उन्होंने जी हाँ, होम मिनिस्टर आया था, गया था मणिपुर में, पर उन्होंने हमसे बोला कि 15 दिन रुको, तब तक शांति हो जाएगा, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, ये वो 15 दिन के लिए सब कुछ रोक दो। पर 15 दिन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और जब वो मणिपुर में थे तब भी फायरिंग हुआ था, कुकी विलेजर्स को भी अटैक कर दिए गए थे। तो फिर जब भी वो मणिपुर में थे तब भी ये जो वायलेंस था रुका नहीं। तो फिर जब हम इससे मणिपुर में थे तब भी हो रहा था? हाँ, जब होम मिनिस्टर मणिपुर में थे तब भी हो रहा था। वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो बोलेगा ही कि एक छोटा सा गांव के मामला भी हमारा मामला है, हम ये वो करेंगे, पर जो मैटर करता है वो है एक्शन। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन भी करना पड़ता है, पर हमने आज तक कोई एक्शन नहीं देखा।